हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ करियर फाउंडेशन के इस अंक में। दोस्तों, पिछले 20 दिनों से मैं कोई भी वीडियो करियर संबंधित लेकर नहीं आ पाया, कुछ कारणों से व्यस्त था। आज मैं लेकर आया हूँ जोन स्त्री विज्ञान पहली प्रतियोगिता का आंसर का सॉल्व पेपर, तो 2018-19 में हुआ था उसका पेपर मैं सॉल्व लेकर आया हूँ। आपको बता दूं दोस्तों, जिला स्तरीय 2019 का जो पेपर हुआ था विज्ञान पहली प्रतियोगिता, वो 7 सितंबर को हुआ था और जोन स्तरीय होने वाला है 17 नवंबर को। राज्य स्तर का पेपर 29 दिसंबर 2019 को होगा। तो जोन स्तरीय परीक्षा की जो तैयारी करेंगे, अभी रिजल्ट जिला स्तरीय आया नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा, तो जोन स्तरीय की तैयारी कैसे करें उस पर अपन बात करते हैं। लंबा हो सकता है दोस्तों वीडियो, इसको स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पहला है, तो 75 प्रश्न आने हैं आपको, पता है 25 भौतिकी से, 25 केमिस्ट्री से और 25 बायोलॉजी से। पहला क्वेश्चन आया था 2018 में दोस्तों, घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग, तो सही आंसर है सी, π/30 रेड सी। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, एक फिगर दिए हुआ है, इस फिगर के बारे में, लेंस एल के सम्मुख वस्तु ए बी से प्रकाश बी सी दिशा में आपतित व सी एफ टू दिशा में अपवर्तित हुआ, तो लेंस एल की प्रकृति, सही आंसर दोस्तों बी, उत्तर लेंस। तीसरा क्वेश्चन है, एक्स बाई द्रव्यमान की विमा गतिज ऊर्जा की, तो एक्स की विमा क्या होगी, सही आंसर दोस्तों आवेग। पानी का अपवर्तनांक 4/3 और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, सही आंसर दोस्तों 9/8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो निकाय की स्थिति ऊर्जा, सही आंसर घट रही है बी। सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण a = -bx है, जहाँ x विस्थापन तथा b एक नेतांक है, तो उसका दोलन काल होगा। दोस्तों क्वेश्चन ये वाला कैंसिल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, खोखले गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सही आंसर सुनिए दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, सही आंसर वेबर है दोस्तों। जल को 0° सेंटीग्रेड से 20° सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन क्या होगा, सही आंसर इसका डी, पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है दोस्तों, ये सही आंसर होगा इसका। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सुनार में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि तरंग क्या है, पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक जो बोलते हैं सी। एक वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक गिरना प्रारंभ करती है, उसके द्वारा प्रथम द्वितीय व तृतीय सेकंड में तय गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, सही आंसर दोस्तों डी होगा, 1, 3 और 5 का अनुपात। उसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, फिगर दिया विपरीत क्षेत्र में तनी हुई डोरी के कंपन ए बी सी दिखाए गए हैं, तो बी और सी कंपन के आवृत्ति का अनुपात पूछे हैं, तो 2:3 इसका सही आंसर है दोस्तों। समतल दर्पण से 35° का कोण बनाते हुए कोई प्रकाश दर्पण पर आपतित हुआ, तो परावर्तन का माप, सही आंसर होगा दोस्तों 55°। क्वेश्चन नंबर 13, आइए दोस्तों 13 क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कौन सा पदार्थ नाभिकीय विकिरण से सुरक्षा देता है, सही आंसर शीशा है दोस्तों लीड। दो समानांतर धारावाही चालक तारों में समान दिशा में धारा बह रही हो, तो सही आंसर बी, वे एक दूसरे से आकर्षित होंगे। और उसके बाद 16वां क्वेश्चन दोस्तों, संलग्न चित्र में पी व क्यू के मध्य तुल्य धारिता होगी, देख लीजिए चित्र, सही आंसर 3 μ का मान एफ होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन, यदि एक लिफ्ट 10 m/s से समान वेग से ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट में 50 kg के व्यक्ति का आभासी भार दोस्तों 50 g होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, तांबे के विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी/g है, इसका मान J/kg में क्या होगा, फर्स्ट आंसर सही है दोस्तों 0.42 × 10³। 19वां, निम्न में से कौन सा किरण समूह वेधन क्षमता के घटते क्रम में है, दोस्तों सही आंसर सी होगा। गतिज ऊर्जा ई के एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रांगली तरंग दल का मान क्या होगा, सही आंसर बी होगा h/√2 नीचे दिए गए परिपथ 4V की बैटरी द्वारा व्यय शक्ति होगी, सही आंसर दोस्तों डायग्राम देख लीजिए फिगर, सही आंसर 8 W है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखें दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं निर्धारित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकार केवल चुंबकीय क्षेत्र, सही आंसर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा दोनों, डायरेक्शन और रिलेटिव। यदि उत्तर लेंस को उसके अक्ष के लंबवत दो भागों में बांटा जाए, तो उसकी नई फोकस दूरी बी, सही आंसर दोस्तों f = +2R।
60 वाट के 10 बल प्रति 10 घंटे उपयोग लाया जाते हैं। बलोदर गति की ऊर्जा होगी 6 यूनिट हो दोस्तों। नदी के जल में किसी गहराई पर दाब P1 और उतनी गहराई पर समुद्री जल में दाब P2 है, तो P1 और P2 में संबंध क्या होगा दोस्तों? सही आंसर इसका P < P2। केमिस्ट्री में दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन आया था 26वां नंबर का जो सवाल है, पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री, कमरे के ताप पर निम्नलिखित कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? B HG पारा दोस्तों। निम्नलिखित में खनिज अम्ल कौन सा है? फास्फोरिक अम्ल सही आंसर है दोस्तों। सांद्र अम्ल तथा सांद्र क्षार से बना लवण पानी में घुलकर जो विलयन बनाएगा वह क्या होगा? सांद्र लवण मतलब साल्ट जो है और एसिड, तो इसका दोस्तों उदासीन सही आंसर है। निम्न में कौन सा द्रव्य शब्द है जिसका 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संरचना किस अधातु तत्व की है? सही आंसर D284। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है दोस्तों? उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब एम्फोटेरिक। सही आंसर दोस्तों जिंक B। निम्नलिखित किस गर्म कर्मे पर CO2 गैस निकलती है? सही आंसर दोस्तों चूने का पत्थर। किस अयस्क के सांद्रण में फेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है? सल्फाइड अयस्क दोस्तों। 34 क्वेश्चन नंबर 34 देखें, निम्न में से कौन सा अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट है दोस्तों Zn+2HCl = Zn Cl2+H2। एक विलयन का pH मान 5 है, इस विलयन में एक मिल तनु तथा HCl मिलावे विलयन का pH मान क्या होगा? सही आंसर दोस्तों 5 से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों का सही क्रम एल्यूमिनियम सिलिका फास्फोरस और सल्फर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, 37 में एक धातु एम के क्लोराइड के सूत्र MCl3 है, इसके कार्बोनेट के सूत्र क्या होगा? सही आंसर A M2CO3 3। 38 जली क्षार के वसा तेल से की क्रिया कहलाती है? सही आंसर साबुनीकरण, जिसको कि सपोनिफिकेशन बोलते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर में दिया है, एक फिगर दिया हुआ है, IUPAC पद्धति में इसका नाम पूछा है, एथेनोइक एसिड। देख लीजिए किस तरह का फार्मूला यहाँ पे है, स्ट्रक्चर है। पीतल मिश्र धातु पूछा है, ब्रास का मिश्र धातु कॉपर प्लस जिंक Cu+Zn से यहाँ से दोस्तों। 41 क्वेश्चन नंबर देखिए, रदरफोर्ड का अल्पाकरण प्रकरण प्रयोग किसके खिसकोस के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्र। 42 एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं आइसोटॉप्स, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। सल्फाइड आयन H2 में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सही आंसर 8 है दोस्तों। 44 में किसी अणु में द्विबंध पाया जाता है, तो B सही आंसर है C2 और H4 दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 45, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? सही आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन दिए हुए, पहला, तीसरा और चौथा। पहला मतलब लोहे की धातु को पिघलना, लोहे की क्षरण का पिघलना, लोहे की धातु का तार बनना। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? एक फार्मूला दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। निम्नलिखित में परमाणु आकार सही क्रम का है, दिया हुआ है दोस्तों लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम CS, तो ये क्रम को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। सीमेंट के जमने की गति को धीमा करने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? दिया हुआ है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। क्वेश्चन नंबर 49, CH3 दिया है इसका IAPA के नाम, तो 2-methyl propane 2-al क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, लोहे के उत्पादन में वाता भट्टी में निम्न पदार्थ डाले जाते हैं? लौह अयस्क के कोक चूना पत्थर और गर्म वायु से आंसर है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ विज्ञान पहली प्रतियोगिता जोन स्तर का 2018-19 का क्वेश्चन पेपर साल्व, अभी 19-20 का होने वाला है। 19-20 का जो पेपर होगा 17 नवंबर को होगा। तीसरे पाठ जीव विज्ञान में 25 प्रश्न पर हल करते हैं दोस्तों। 51वां प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? रॉबर्ट विरेटकर। इनमें से किस में कशेरुकाएं पाई जाती हैं? मेरुदंड से आंसर है। निम्न में से कौन सा समूह स्तनधारी वर्ग से संबंधित है? वेल और चमगादड़। निम्नलिखित में किस कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है? कैंसर कैंसिल हो गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मनुष्य में निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र रूप में निकाला जाता है? ब्रिक के द्वारा, किडनी आप जानते हो दोस्तों। कौन सा पोषक तत्व आंवला चावल चालू और शक्कर में अधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट है सही आंसर। इनमें से किस में अनावृत
नग्न बीज पाए जाते हैं, नेकेड सीड्स। पाइनस ऐसे आंसर दोस्तों, मनुष्य में साइनो आरिकुलर नोड सिरालिन नोड क्या है, हृदय में पाया जाता है दोस्तों। नारियल के बाहरी छिलके भूसा बना होता है दृढ़ोतक या इसके लिए रेनकाइम बोलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा सूक्ष्म जीव मलेरिया परजीवी, क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों, असत्य कथन की पहचान करें। डी कोशिका के कोशिका द्रव्य को ही जीव द्रव्य कहा जाता है, सही आंसर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस विषाणु कारण होता है, पोलियो, सही आंसर है दोस्तों। मनुष्य की संतान स्त्री होगी यदि युग्मक जायगोट का 23वां जोड़ा गुणसूत्र एक से एक्स ए, सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं, नाइट्रोजन, सही आंसर है दोस्तों। यदि किसी कोशिका का केंद्रक कृत्रिम रूप से निकाल दिया जाए तो कोशिका में क्या परिवर्तन होगा, सही आंसर। कोशिका विभाजन करने में चयापचय को नियंत्रित करने में असमर्थ होगी, यदि मृत्यु हो जाएगी दोस्तों, सही आंसर है। नीचे दिया गया सूक्ष्म जीवन में से किस समूह संबंधित है, सही आंसर कवक होगा दोस्तों। नीचे एक पौधे के लक्षण दिए गए हैं, दिया हुआ स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दिया हुआ दोस्तों आंसर का ऑप्शन, तो सही आंसर जल्दी होगा। 68 कविता ने देखा उसके गमले के पौधे की वृद्धि ठीक नहीं हो रही थी, उसने गमले में केचुए डाल दिए। कुछ सप्ताह के बाद उसने देखा उसके पौधे पहले ज़्यादा स्वस्थ दिखाई पड़ रहा है, इसका कारण, तीन कारण दिया दोस्तों, उसमें चौथा कारण सही है डी, केचुए ने मिट्टी में हवा और पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की थी। 69 में देखा कौन सा जोड़ा विटामिन और उसकी कमी होने वाले रोग का सुमेलित नहीं है, विटामिन डी, सुखा रोड, सही आंसर मैचिंग है। किस रक्त कणिकाओं के अनुपस्थिति में रक्त का थक्का जमना संभव नहीं, थ्रोम्बोसाइट्स दोस्तों, सही आंसर। 71 इनमें से कौन से तरल सयोजी पदार्थ हैं, रक्त। निम्नलिखित में कौन से एक तना है, अदरक। घास और केला उदाहरण है एक बीजपत्री पौधे के, पुष्प के विभिन्न भाग जो नर मादा युग्म पैदा करते हैं, निम्न इसके सही आंसर दोस्तों पराग कोष और अंडाशय। और क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है, सही आंसर ऑक्सीटोसिन। इस तरह से दोस्तों जोन स्तरीय विज्ञान पहल प्रतियोगिता 2018 का ये क्वेश्चन आंसर सही था, जिसमें 75 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। कई सारे बच्चे रहते हैं जिनको पता नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कैसे करें उसका मॉडल आंसर लेके आऊँगा। धन्यवाद।